थैंक यू। तो कैसा लग रहा है आपको वॉइस इंडिया जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं, और मेरे माँ बाप जो इतने खुश हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप की जो खुशी है वो मैं मेरे लिए बहुत वो है कि उनकी खुशी के लिए मैं यहाँ पे आया था, और जिस चीज़ की मुझे मेरी उम्मीद थी कि बस ये शो मुझे जीतना है, शायद यही शो है जो मेरे माँ बाप की इतनी खुशी का वो बना जरिया। इतनी सी उम्र में आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, आफ्टर दैट फाइनली आप आज एक मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ आपके पेरेंट्स को आप पे गर्व है। जी जी। तो ये पूरी जो जर्नी थी ये कैसी रही आपकी? जर्नी अच्छी रही, बट थोड़ी परेशानियाँ भी आईं, क्योंकि लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखा, बहुत परेशानियाँ देखी, बस यही है कि हार मानना नहीं सिखाया मेरे मम्मी पापा ने कि बस मेहनत करते रहो, तो मेहनत करते रहोगे तुम्हें ज़रूर उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आज शायद वही मेहनत है मेरे माँ बापों की, मेरे गुरुओं की, कि जिसका रिज़ल्ट आज मुझे मिला, मैं द वॉइस का खिताब जीता। शान के अंदर ट्रेन होके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शान सर से जो मुझे चीज़ें इतनी सीखने को मिली, मेरी सिंगिंग में इतना इम्प्रूवमेंट आया कि जो चीज़ मैं अटैम्प्ट पहले नहीं कर पाता था, आज मैं वो चीज़ बहुत आसानी से गा लेता हूँ, और बहुत खुश हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ शान सर का कि मैं उनकी टीम में हूँ और उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, और उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया मेरी हर एक सिंगिंग में, मेरे को परफॉर्म किस तरह करना है और लोगों से किस तरह कनेक्ट होना है, तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया गुजार करना चाहूँगा। एक मूवमेंट है, थोड़ा फनी भी है, और जब मेरा एक एपिसोड आया था जिसमें मैंने सुल्तान का टाइटल ट्रैक गाया था, तो उस टाइम परफॉर्म के बाद मेरे को अचानक से ही एक पहलवान कुश्ती टाइप का वो आया मुझसे लड़ने, तो मैं एकदम शॉक रह गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो उस टाइम बहुत लोग हंसे, मतलब सब ने बहुत इन्जॉय किया, तो फिर शान सर आए अपनी जैकेट उतार के, फिर उन्होंने मुझे पहलवान से बचाया, मतलब काफ़ी फनी मूवमेंट रहा उस टाइम। मेरे फादर मेरे साथ एक बिल्कुल उन्होंने एक फ्रेंड की तरह बिहेव किया है, और कभी स्ट्रेसनेस नहीं की, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा लड़का हूँ, और सब बहुत प्यार, मेरे फादर जो है सबसे ज़्यादा तो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, हमेशा फ्रेंड की तरह बिहेव किया, और कभी कोई किसी चीज़ पर ज़ोर नहीं डाला, और मैं सबसे पहले मेरे जो सबसे पहले गुरु हैं जिनसे मैंने तबला सीखा, मेरे फादर ही हैं, लेकिन मेरे फादर की हमेशा यही ख्वाहिश थी कि मैं एक सिंगर बनूं, क्योंकि सब म्यूजिशियंस हैं मेरे घर में, कोई सिंगर नहीं था, तो यही ख्वाहिश थी कि मैं सिंगर बनूं, और उन्होंने मेरे गुरु के हवाले उनसे सिखवाया, और मैं दिल्ली घराने का शागिर्द हूँ उस्ताद फरीद हसन खान का, और मैंने अपने मामू से भी सीखा, उस्ताद गुलाम अली खान साहब, उस्ताद गुलाम साबिर खान साहब, सब उसे मैंने सीखा, और उन्होंने इतनी मेहनत करी, मेरे उस्ताद फरीद हसन खान साहब जी ने इतनी मेहनत करी कि शायद उन सब की बदौलत ही है कि मैं यहाँ इतनी आगे तक पहुँचा। और मैं मुंबई शिफ्टेड हूँ, और बट अभी क्योंकि मेरे को दिल्ली जाना है, क्योंकि लोग वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आइए आप सबका वेलकम के लिए, तो मैं अभी दिल्ली जाऊंगा, अपने होम जाऊंगा, फिर वापस मेरे को मुंबई आना है, हार्ड वर्क करना है और अपनी स्टडीज़ वापस कंटिन्यू करनी है। ओके, सो हाउ डज इट फील, अब आपको इतना अटेंशन मिल रहा है, द एज ऑफ 19 यू बिकम लाइक अ टीन सेंसेशन, लोग आपको बिल्कुल इतना प्यार करें, तो थोड़ा नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, क्या है वो? नहीं, नर्वसनेस बिल्कुल नहीं है, बहुत खुश हूँ कि जनता का इतना प्यार मिल रहा है मेरे को, शायद उनका ही इतना सपोर्ट रहा, मुझे इतना प्यार मिला कि जिस वजह से मैं द वॉइस का विनर रहा, अगर मेरे को जनता का इतना प्यार नहीं मिलता तो मैं शायद नहीं ये वॉइस का खिताब जीतता, तो मैं हिंदुस्तान की जनता को बहुत दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि मुझे इनका इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला, और बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ से, बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, मुझे इतनी दुआएँ मिल रही हैं, और मैं जनता के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम वोटिंग में गया था तो मैंने ये सॉन्ग गाया था, और उनका करम रहा और जनता का इतना प्यार मिला मेरे को। खाक मुझ में कमाल रखा है मुस्तफ़ा ने
संभाल रखा है, मैं तो कब का मर गया होता, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर से तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। थैंक यू सो मच।